जिससे मेरे खानदान से ही है। So surprising. अब तुम्हारी कोई दूर के रिश्तेदार की बेटी या तुम्हारी कोई भोली बिसरी बहन? नहीं नहीं बहन जी, रे जैसा सनम मेरे खानदान में नहीं है। पर कितनी अजीब बात है उसका यूं मिलना, उसका मां से शक्ल मिलना, जैसे कोई मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद यही कि तुम पागल होते जा रहे हो। तुम करने क्या जा रहे हो? देखो इस बात पर जरा सोचो, तब तक मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करके आता हूँ, ओके? अरे हाँ हाँ, अभी तो तुम बड़े आदमी हो गए हो, मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास है? तुम देख लो क्या हो गया था। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसी ही बातों पर ध्यान दो। याद है कौन है ये? सोनिया रे, मशहूर फिल्म एक्ट्रेस। ये इंडिया में? हाँ, बहुत साल पहले वापस आ गई थी। तुम तो इसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। एक बार साथ था, 18 साल पहले, सोनिया रे से। दादाजी, आपकी कमी तो हमेशा महसूस होती रहेगी। आप और हम तो यहां रोज आया करते थे। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतना तो पता होगा कि अब रो क्यों रही है। स्टुपिड, एक लड़की क्यों रोती है किसी स्टुपिड से लड़के के लिए जिसने आज मुझे इस बात का एहसास दिलाया है कि अब मुझे जिंदगी में अकेले ही रहना होगा। सोनिया, इसीलिए यहाँ इस ऊंचाई से छलांग मारने आई हूँ। एक्चुअली मैं सी में जाकर सुसाइड करने वाली थी। That's very common. Sonia. And secondly, सी में सुसाइड करने से बॉडी ब्लोट हो जाती है और फिर वो बॉडी बहुत अगली लगती है मरने के बाद। मैं मरना चाहती हूँ लेकिन अगली नहीं दिख सकती नो। Sonia. ऐसा मत, मैं बहुत सीरियसली मरना चाहती हूँ। आज मैं मर के दिखाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको क्यों रोकूंगा। लेकिन मरने से पहले क्या आप एक फेवर कर सकते? बोलो। वो क्या है कि आज मेरे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है। तो हमेशा कहते थे कि
उनके जाने के बाद उनकी मौत का गम नहीं करना चाहिए। इससे क्या आप सेलिब्रेट करेंगे? तुम्हारे दादाजी की डेथ। और वो रहा वीनस। तुम वीनस की कहानी जानती हो? कहते हैं वीनस जिससे प्यार करती थी, जब वो जंग पर गया तो उसने उसका इंतजार करने की ठान ली। फिर उसका इंतजार खत्म हो गया। इसलिए इंतजार करते करते वो आसमान में चली गई। क्यों? क्योंकि जब उसका प्यार जंग से लौट कर वापस आए तो वो उसे रोशनी दिखा सके, और वो अब तक उसका इंतजार कर रही है। कितनी अजीब बात है ना, सबके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। एक ही पल में पूरी जिंदगी बदल जाती है। जिंदगी में हर वो काम किया जो मैं करना चाहता था, लेकिन हमेशा हमेशा एक चीज की कमी थी, सिर्फ एक चीज की, एक बच्चे की। अब ये
निशा मेरी बेटी है।